कतरीना, अरे रुक, कहाँ जा रहा, मरवाएगा। सनी रुक जा। भाई बहुत मजा आया फिल्म देख के। रुक रुको, मेरी बात तो सुनो। देखो भवानी की कहानी अब भूल जाओ। देखो कतरीना, मुझे तुम बताओ तुम्हें कौन सता रहा है। मैं तो उसे अभी ठीक है। अरे वाह क्या फिगर है। जो भी भवानी भाई की गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा उसका यही हश्र होगा। बस बहुत हुआ, आप जाइए बेटा। अरे तू जिससे प्यार करता उसने तुझे उल्लू बनाया। वो उसी भवानी की मंगेतर है जो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। अब भूल जाओ उसे और जा तू अपने गांव वापस आ। तो उसकी दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा? अबे उसका नाम कटरीना नहीं है, उसका नाम श्रुति है, भवानी की मंगेतर। श्रुति, नाइस नेम। तो मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है। वो कैसे? श्रुति को शादी के लिए फोर्स कर रहा है वो भवानी है। हाँ। और वो उसे पसंद नहीं करती। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो मैं उसे पटाऊंगा, उसे घुमाऊंगा, फिल्में दिखाऊंगा और फिर उससे शादी करूंगा। तेरा मजा हमारी सजा। गोपी तेरा जवाब नहीं। श्रुति आओ करे। अबे अगर भवानी के आदमियों को पता चल गया ना कि तू उसके मंगेतर के पीछे है तो हम सब गए। भाई वो देखो, वो रहा। जरा देखो कौन है। भवानी को अगर पता चल गया तो? ऑलरेडी लगता पता चल गया। तुम सब में से सनी कौन है बे? बोल। मजनू बनने का बड़ा शौक है, चल भवानी भाई बोला। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? मुझे कॉलेज में जाना है। चल तुझे अपने कॉलेज ले जाता हूँ। मुझे जाने दो ना, पापा बहुत चिल्लाएंगे, मम्मी झाड़ू से मारेगी। अबे तेरी इतनी फटती है तो भाई के लव मैटर में क्यों पड़ता है? लैला मजनू की स्टोरी अपने भाई को ही शूट करती है, समझा दे इसको। हाँ सॉरी चमन, उसको वार्निंग देके आया हूँ। भाई के नाम से तो उसकी पतलून गिली हो रही थी। भवानी को तेरे मैटर के बारे में पता चल गया, वो तुझे तेल में तलेगा। तू शहर छोड़ दे यार। अरे अब वो भवानी इस सनी के पापड़ मिलेगा। अबे तो यहाँ तक पहुँच गया। अरे भाई जाने दो ना मुझे, चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। भाई से मिलना है, प्लीज मिलने दो ना। भाई ये वही लड़का जो श्रुति मैडम को परेशान कर रहा था और हमने इसे वार्निंग भी दी थी। अरे तो उसे शिकार खुद शेर की मांद में घुसा चला रहा है। ए, तेरा नाम क्या है? मैं सनी हूँ, गांव से यहाँ पढ़ने आया हूँ। तुझे मेरे लोगों ने समझाया फिर भी तू यहाँ गया। अब तक मेरी तारीफ पहुँच गई। भाई के सामने स्टाइल मारता है। एक मिनट, बाहर धमकाते हो, अंदर धमकाते हो, जब देखो हुल देते हो। आपको मेरे बारे में आपके चमचे घुमा फिरा के ना बोले इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ। कॉलेज के पहले दिन मैंने गणेश जी से आंखें बंद करके एक अच्छी गर्लफ्रेंड मांगी। जब मैंने आंखें खोली तब सामने मिली। हो गया तेरा। ए, बोलते रहे। इसलिए मैं कुछ दिनों से उसे दाने डाल रहा हूँ, पटा रहा हूँ। अचानक एक दिन, हाँ संडे, कॉलेज में कुछ गुंडों ने आकर मुझे घेर लिया। आपके ही चमचे थे। और उस दिन शॉपिंग मॉल में उस लड़की को प्यार की चार बातें चिपका दी। तब भी पता चला मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी मंगनी भवानी नाम के गुंडे से हो चुकी है। बोल लेते उसे। मैंने कहा छोड़ उसे। आगे बोल। हाँ हवा तो आने दे। ओके तो कहाँ था मैं? हाँ जब मैंने भवानी की इंक्वायरी की तब मुझे पता चला। कट 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 कट, आप कटिंग बढ़िया करते हैं। शुरू में लगा कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन बाबा मैं गलत था बिल्कुल। उसके मंगेतर का नाम सुन के आइडिया ड्रॉप कर दिया। ये खड़ा क्यों हो गया? बेटा तू तो गया। सुन टकले भाई, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरी मंगेतर से प्यार करने लगा, उसके आसपास घूमा, उसे आई लव यू कहा और न जाने कितनी बार मिला।
इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मेरी मंगेतर से प्यार करने के बावजूद ये यहाँ तक आया। अगर नहीं आता तो मुझे इस प्यार के बारे में पता ही नहीं चलता। तुम लोगों को ये क्यों नहीं पता? ये इन सब के धुलाए करें, इससे पहले मुझे कल्टी बनी चाहिए। भाई मैं चलता हूँ। तू नहीं जा सकता। जाना तो पड़ेगा क्योंकि आज मेरा उपवास चल रहा है। शाम को मंदिर में जाके उपवास खोलूंगा। चलता हूँ अब। श्रुति सिर्फ मेरी है, उसका हुस्न, उसकी अदाएं, उसकी जवानी पर सिर्फ मेरा हक है। हंस क्यों रहा है तू? कुछ नहीं। बता ना, हंस क्यों रहा है? बताता हूँ, वहां तो आने दो। भाई श्रुति को आप प्यार करते हैं वो तो ठीक है, आई लव यू आपने कहा वो भी आसानी से कह देगी, पर एक बात सोच कर देखिए, क्या वो सच में आपसे प्यार करती है? श्रुति की लाइफ में अगर उसकी पसंद का कोई लड़का आ गया जिससे उसे प्यार हो जाए तो फिर आपकी बच गए ना भाई। क्या है ना, आप प्यार पे पहरा लगवा सकते हैं पर दिल पर नहीं। दुर्घटना से पहले सपने से जाग जाइए। चल। श्रुति मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। भाई जब भी किसी लड़के को किसी लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है तो वो प्यार करने वाला प्रेमी दुनिया में किसी भी अंजाम से नहीं डरता। याद रखना भवानी भाई, अगर कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है तो वो ना तो गुंडागर्दी से, ना तो दादागिरी से, ना तो भाईगिरी से डरती है और ना ही तुमसे भी डरेगी। समझ जाना, नहीं तो टीवी नहीं देखते क्या? पेपर नहीं पढ़ते क्या? यही तो ट्रेंड चल रहा है आजकल के आशिकों का। आज के लिए काफी है, चलता हूं मैं। अगर आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है तो तू श्रुति से प्यार कर। भाई मैं श्रुति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आजकल के यूथ की बात कर रहा हूँ। बोलता बहुत है और तुझमें डेरिंग भी बहुत है, पर मैं ये डेरिंग वाली बात तभी मानूंगा जब श्रुति भी तेरे प्यार में पड़ जाएगी। जा पटाव से। भाई मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, आप चाहे तो किसी और को ये बोल दो ना। किसी और से नहीं, सिर्फ तू। श्रुति किसी से प्यार करेगी तो सिर्फ तुझसे। तू जीता उसे छोड़ दूंगा, तू हारा तुझे मार दूंगा। आपके हाथों मरने के चांसेस तो बहुत कम है, उसके प्यार में 99.99% गिरने के चांसेस है। फिर आप हर्ट हो गए तो बाद में मुझे तुम में से कोई भी इस आशिक को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। फुल फ्रीडम दे दी तुझे। महिला थैंक्स भाई, चलता हूं मैं। अब तो पटाकर ही वापस आऊंगा। इसे कहते हैं अपनी ही बारात की खुद ही बैंड बजाना। क्या भाई उसे सलीम क्यों बनने दे रहे हो? इस अकबर का षड्यंत्र तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ ना। श्रुति किसी के प्यार में गिरे तो अच्छा है, उसकी नजरों के सामने उसके प्रेमी को मार दूंगा ताकि शादी से पहले और शादी के बाद वो किसी भी पराए मर्द को देखने से पहले 50 बार सोचे। जानता हूं मुझे पसंद नहीं करती, मुझे ऐसे ही किसी बकरे की तलाश थी। तुम्हारा वो आशिक सनी नहीं दिखाई दे रहा, लगता है उस दिन शॉपिंग मॉल में सच्चाई पता चलने पर गांव की टिकट लेकर रिटर्न चला गया। कहाँ गया? पॉकेट में तो नहीं था, यहाँ पे। आई लव यू। तुम भवानी से प्यार नहीं करती। आई लव यू। देखो मैं क्लियर हूँ, तुम भी क्लियर हो जाओ। सोचने के लिए थोड़ा चाहिए तो वक्त ले सकती हो, मतलब कि हाफ डे, वन डे, टू डेज, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं। एक बार तुमने मुझे आई लव यू कह दिया तो उसके बाद हमारे बीच में किसी तीसरे को आने भी नहीं दूंगा। ये अपनी जुबान, या फिर यूं समझ लो कि बड़े स्क्रीन का आशिक तुम्हारे सामने खड़ा है, असली जिंदगी वाला। 3 दिन। भाई चेस खेल रहे हैं यार, अपना राजा खतरे में है। भाई सनी ने भाभी को भूल दिया और आई लव यू भी कहा। भाई ये रहा चेक और ये रहा मेट।
क्या खबर लाया? माँ बाप ऐसे नालायक बच्चे को कॉलेज क्यों भेजते हैं? किसने चुम्मा दिया, किसने आई लव यू कहा, ये खबर बताने के लिए? पढ़ाई में अपना ध्यान दे वरना मेरे जैसा बन जाएगा। जा खबरी साला। चिकन मिट था ना? रॉन्ग स्टेप था भाई। इंटेलिजेंट बॉय। अब हुआ सही चिकन मिट। तू हार गया। क्या वो श्रुति बहुत सुंदर है? हाँ दीदी, तुमसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे क्या खाक सुंदर है। इसका यही रवैया रहा तो बहुत जल्द भवानी इसका रवैया वस्ता वैया कर देगा। सुन छोटे, देख किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने का, अपने प्यार को हासिल करने का। उसने ज्यादा नाटक किया तो जीजू है ना, इनके भरोसे रहे तो जरूर मरेंगे। अरे यार, वो खुद भवानी से डरती है तो तुझसे कैसे प्यार करेगी? हाँ। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, सच्चे आशिक पीछे हटते नहीं। श्रुति के दिल से मुझे बस डर ही निकालना है। क्या बस, कैसा चल रहा है? वेरी नाइस सर। श्रुति सुना, श्रुति हसन की सीढ़ी है क्या? वी हैव सर। श्रुति हसन कमल हसन की बेटी रे, वही जानता नहीं क्या? हाँ मुझे मालूम है सर। बिल प्लीज। भक्ति रंजनी, बाली उम्र में ही बुढ़ापे का असर। इस उम्र में ऐसी सीढ़ी सुनोगी तो हमारा क्या होगा? सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऑलरेडी बहुत परेशान किया है, तुम तय मत करो मुझे क्या सुनना है। चलो जाओ यहाँ से। मैडम माइंड योर लैंग्वेज, ही इज माय बेस्ट कस्टमर, आप जा सकती हैं। तो इसे रखो, मैं जा रही हूँ। और आपको कुछ चाहिए सर? तूने मेरी डार्लिंग को हर्ट किया? मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट किया? सर ये सीढ़ी नहीं लेंगे। श्रुति नहीं रही तो हसन को दो, तू रख ले। सुबह से एक भी नहीं बिकी सर। सीढ़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रैपर में बंद करके अपने डस्टबिन में डाल दे। श्रुति सुनो ना, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल रात को जोरों से धड़कता है। हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दो। आंखें बंद करता हूँ तो तुम ही दिखाई देती हो। आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं नाचने लगता हूँ। तो तुम पागल हो गए, मेंटल हॉस्पिटल जाओ। तुम ले चलो ना मुझे।